तो हाय दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बजाज ऑटो अपने बजाज पल्सर को सबसे हेवी मॉडल में मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसकी बिजली सी रफ्तार और स्पोर्टी डिजाइन हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, देश की प्रमुख टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो अपने मशहूर बाइक बजाज पल्सर को अब तक का सबसे बड़ा अपडेट देने की तैयारी में है। बजाज ऑटो आने वाले कुछ दिनों में अपनी सबसे हेवी पल्सर 400 को लॉन्च करने जा रही है। इसके एक टीजर वीडियो में बताया गया है कि ये बिगेस्ट पल्सर एवर यानी कि अब तक की सबसे बड़ी पल्सर बाइक होगी। इसमें न केवल नया लुक और डिजाइन देखने को मिलेगा बल्कि इसकी रफ्तार भी शानदार होगी। अभी कंपनी ने इसकी कोई फोटो या वीडियो स्पष्ट रूप से वायरल नहीं की है, लेकिन इसमें कंपनी अपने पुराने डिजाइन को बरकरार रखेगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये बजाज में मौजूदा डोमिनर से नीचे पोजीशन करेगी, जो कि इसे 400 सेगमेंट में अब तक की सबसे किफायती बाइक बनाएगा। इसके टीजर वीडियो से पता चलता है कि पल्सर NS250 के मुकाबले इसके पिछले हिस्से में ज्यादा बड़े और चौड़े टायर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई एडवांस फीचर्स दिए जा सकते हैं। कंपनी इस बाइक में 373 सीसी का पावरफुल सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल कर सकती है। इसका इस्तेमाल डोमिनार और KTM 390 में किया जाता है। हालांकि पावर आउटपुट KTM और डोमिनार से अलग होगा। ये इंजन 14 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं KTM में सबसे ज्यादा पावर 43.5 PS डिलीवरी के लिए ट्यून किया गया है। बजाज पल्सर 400 में कंपनी 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स को लगाएगी और इसमें स्लिप असिस्ट क्लच सिस्टम को बतौर स्टैंडर्ड दिए जाने की उम्मीद है। वहीं क्विक शिफ्टर को हायर वेरिएंट में दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसे पल्सर NS200 के चेचिस पर तैयार किया जाएगा, जो साइज में थोड़ा बड़ा हो सकता है। इस बाइक के फ्रंट में अप साइड डाउन USD फॉर्क सस्पेंशन लगाए जाएंगे और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जा सकते हैं। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक जरूर मिलेगा, जो ड्यूअल चैनल ABS से लेस होगा। इसके अलावा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिए जाने की चर्चा है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, LED हेडलाइट जैसे फीचर्स इसे और बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या हो सकती है इसकी कीमत? ऐसा माना जा रहा है कि बजाज पल्सर 400 को कंपनी 210,000 रुपये के आसपास लॉन्च कर सकती है। मौजूदा डोमिनार 400 की कीमत 231,000 रुपये से शुरू होती है।